हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सैयद। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सबका हेल्प में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो यूआईडी ने जो है नया अपडेट किया है उसके बारे में, कि क्या नया अपडेट आया है, क्या चेंज हुआ है और क्या नहीं चेंज हुआ है। तो दोस्तों, आप भी ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, हम अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर गूगल टाइप करते हैं। गूगल टाइप करने के बाद यहाँ पर हमको लिखना है, सर्च बार में सिंपली लिखना है आधार कार्ड। आधार कार्ड लिखने के बाद हमको इंटर करना है। इंटर करने के बाद दोस्तों हमारे सामने ये आएगा, यूआईडी की जो है ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। ये वेबसाइट खुलने के बाद हमको दोस्तों इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये हमें एक दूसरे इंटरफेस पे ले जाएगा। देखिए, ये हमें एक दूसरे इंटरफेस पे ले आया है। हम नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारे हमको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है। हमको इसमें डाउनलोड आधार कार्ड पे क्लिक करना है। दोस्तों, डाउनलोड आधार कार्ड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया बॉक्स खुलेगा। ये हमारे सामने एक नया बॉक्स खुल रहा है दोस्तों। देखते हैं इसमें क्या चेंज हुआ और क्या नहीं चेंज हुआ है। तो हमारे सामने ये आधार का एक नया बॉक्स खुल रहा है। इसमें क्या चेंजिंग किया है यूआईडी ने और क्या नहीं किया है। देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे सामने यूआईडी का जो नया अपडेट हुआ है वो हमारे सामने आ गया है। इसका इंटरफेस कुछ नया है, जो पहले था वो नहीं है, बल्कि नए तरीके से कुछ इसका इंटरफेस खुला है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल नए तरीके से जो है हमारे सामने खुला है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है, बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया है, बस इसका जो है इंटरफेस बदल दिया गया है। पहले जिस तरीके से खुलता था उस तरीके से नहीं खुला है, बल्कि दूसरी तरीके से खुला, लेकिन इसमें जो प्रक्रिया थी वही है, बस यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग किया गया है। यहाँ पर जो लिखा है प्लीज सेलेक्ट ए सर्विस, तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर कई ऑप्शन आ जाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देख ले दोस्तों, देखिए कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है डाउनलोड आधार कार्ड। हमको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और इस डाउनलोड आधार कार्ड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जैसे कि पहले ऑप्शन आते थे कि आधार कार्ड के नंबर से आप आधार डाउनलोड करना चाहते हैं या एनरोलमेंट आईडी से, तो उसी तरीके से सेम इंटर योर पर्सनल डिटेल आई हैव आधार एनरोलमेंट आईडी, बिल्कुल सेम वही तरीके से दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है। अगर हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है आधार कार्ड नंबर, अगर हमारे पास आधार कार्ड नंबर है तो दोस्तों आधार कार्ड नंबर यहां पर डालेंगे और यहां पर नेम डालेंगे, यहां पर पिन कोड डालेंगे और नीचे के स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर वही कैप्चा भरना है। और यहाँ पर जो आया है डू यू हैव टी ओ टी पी, अगर दोस्तों आपके पास टी ओ टी पी है तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है टी ओ टी पी डालना है, यहाँ पर डाउनलोड आधार पर क्लिक करना है। यदि टी ओ टी पी जैसे कि मैं एक एप आधार का एप्स है जो मोबाइल में इंस्टॉल होता है, बहुत से लोग जो है अपने लैपटॉप में भी इंस्टॉल करते हैं। हम बहुत जल्द इस पर वीडियो बनाने वाले हैं कि हम आधार एप्स को हम मोबाइल लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करें। फिलहाल दोस्तों, अगर आपके पास टी ओ टी पी है तो आप इस पर क्लिक करिए, अगर टी ओ टी पी नहीं है तो आप इसको इस बॉक्स पर चेक मार्क मल लगाइए और आप सिंपली यहां पर कैप्चा डालने के बाद रिक्वेस्ट ओ टी पी पर क्लिक करिए। और जैसे ही आप ओ टी पी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर, आपके जो आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओ टी पी जाएगा। आप उसको यहाँ पे डालकर अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि लिखा है नोट पासवर्ड ओ टी पी विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और इन केस यू हैव माई एम आधार यू कैन जनरेट ओ टी पी। अगर आपके पास टी ओ टी पी है तो आप यहाँ से टी ओ टी पी जनरेट कर सकते हैं। अगर यदि नहीं है आपके पास टी ओ टी पी तो जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक मैसेज आएगा, यहाँ पर वो मैसेज डालकर अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड वही लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिनका मोबाइल नंबर उनके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है। अभी यूआईडी ने ये अपडेट नहीं किया है। पहले क्या था दोस्तों कि जो हम किसी का भी जो है आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते थे, यदि अगर उसके इसके आधार से मोबाइल नंबर नहीं लिंक होता था तब भी हम आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते थे। लेकिन अब यूआईडी ने ये बदलाव कर दिया कि अब हम उन्हीं बंदे का, उसी व्यक्ति का आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उसी कस्टमर का आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जिसके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा। अगर वो आधार कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर हम
उसका आधार कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन उसका हम आधार कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको जान लेनी है दोस्तों। तो यही कुछ थी जानकारी जो मैंने बताई दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो।